लेकिन मैं किसी से कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं सही, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं घुमा तो घूम जाऊंगा। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? नए वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ कोलकाता से। अभी मैं जा रहा हूँ मदर हाउस टेरेसा। यहाँ पे नियर बाई है जो मेरा हॉस्टल है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार। उन लोग कैसा क्या, अगर तुम ऑनलाइन जितना भी शो कर रहा है उतना ही पे करना होगा आपको यहाँ पे आके। तो इससे अच्छा बेटर कि मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ही पे कर दूँ, यहाँ पे आके मैं इतना झंझट क्यों पालूंगा। बट उन लोग कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। कल मुझे बोला 400 रुपीज़, बट लेकिन रात में उनका उनके सेठ ने आके बोला कि नहीं नहीं 400 में नहीं होगा, यू हैव टू पे 448 रुपीज़, जो ऑनलाइन दिखा रहा वैसे ही पे करना है। तो मुझसे 48 रुपये और ज़्यादा ले लिए यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अभी रात थी 10:30-11 बज रहे थे, कुछ मेरे को देना ही पड़ा। आज भी ऐसे 500 रुपीज़ शो कर रहा था तो मैंने वो भी पे कर दिया। तो अगर यहाँ पे आओगे तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वैसे स्पेस अच्छा है, फूड अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। वैसे फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मदर टेरेसा हाउस। यहाँ से करीबन सिटी हाउस से करीबन 2.7 किलोमीटर है। देखता हूँ बस और या तो कुछ फैसिलिटी मिलती है तो वहाँ से चले जाएंगे। ये बस टिकट का भी प्राइस बहुत सस्ता है, 10 ही रुपये 1.5 किलोमीटर का। वैसे एकदम मुंबई की तरीके से है कि आराम से नियर बाय कहीं भी आप जा सकते हो 10 रुपये में। अभी मैं आ गया हूँ, बस 200 मीटर और बाकी है तो चल के जा रहा हूँ। आई गेस मैंने मदर हाउस ऑफ मिशनरी चैरिटी सर्च किया था। अब ये ऐसा कुछ है, अब मुझे पता नहीं कि मैं सही जगह पर आया हूँ कि नहीं, कि मैंने सर्च शायद से गलत कर दिया था। लेकिन जाके अंदर देखता हूँ कि कैसा है। सो भाई, मदर टेरेसा यहाँ रहती थी और उनका टूम भी यहीं पे बना हुआ है। लेकिन इनका कुछ टाइमिंग है, 12 से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और फिर 3 बजे से 6 बजे तक। लेकिन मैं मिडल ऑफ आफ्टरनून आ गया हूँ, कोई 1:30 बज रहे तो अंदर जा नहीं पाया। तो बाद में आते हैं, अभी यहाँ से एक और जगह है वहाँ पर मुझे जाना है। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ पार्क स्ट्रीट, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। लेकिन अभी शायद से मदर टेरेसा के यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर, जो कि उनके यहाँ से जस्ट लेफ्ट लेंगे एंड देन राइट और एकदम स्ट्रेट जाना है, ऐसा बोला हुआ है। लेकिन मैं किसी से कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं सही, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं घुमा तो घूम जाऊँगा। वैसे मुझे पता नहीं है, वैसे मैं भी न्यू हूँ जैसे आपको भी पता होगा। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। किसी को पूछते हैं भाई ये मदर टेरेसा, ओ सॉरी पार्क स्ट्रीट आगे से, मतलब स्ट्रीट, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा आगे से फिर राइट कर, एकदम स्ट्रेट ना। वैसे ही जैसा सब लोगों ने मुझे बताया था, एकदम स्ट्रेट जाना है, फिर वहाँ से एक लेफ्ट लेना है और आ जाएगा पार्क स्ट्रीट। ये रहा पार्क स्ट्रीट कोलकाता का, जो कि मुझे एकदम चर्च गेट की याद दिला दे रहा है। चर्च गेट मुंबई में जो बहुत फेमस है, वहां पे भी एकदम सेम ऐसे ही रास्ता है।
तो कुछ ऐसा रहा पार्क स्ट्रीट, जो कि रोड अच्छी है इसलिए, और सारा शायद से सारा सामान खरीद सकते हैं। वैसे मुझे तो कुछ खरीदना है नहीं फिलहाल, मैं तो अभी यहाँ पे जस्ट टहल वहल के अभी मैं जा रहा हूँ बिरला प्लेनेटेरियम। वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है, जो कि कलाकृति और आर्ट से वहाँ पे शो भी होते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे भी शो देखने मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। और पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है कोलकाता का बिरला प्लेनेटेरियम। ओके, तभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से करीबन 16 मिनट बाय वॉकिंग, और अगर गाड़ी से जाएंगे तो 7 मिनट, 1.4 किलोमीटर से कुछ डिस्टेंस। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बिरला प्लेनेटेरियम ऐसा कुछ। अब जाता हूँ इसके अंदर, अंदर देखता हूँ कि कैसा है ये। वैसे जो बिरला प्लेनेटेरियम था, वहाँ का शो का टाइमिंग होता है कुछ जैसे कि 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6। अब मैं पहुँचा 12:20 को, तब वो जो हिंदी वाला होता है वो ऐसा रहता है, और बांग्लादेश बंगाली का जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है वहाँ का 3 और 5 बजे रहता है। इंग्लिश के लिए भी 2 ऑडिटोरियम है, उसका भी 2 टाइमिंग है। अब मुझे बंगाली आती नहीं है, तो अभी मैं रुका हुआ था तो उन्होंने बोला कि 3:30 बजे के बाद टिकट चालू होगी और हिंदी लैंग्वेज के लिए, और उसका टिकट का प्राइस है कुछ 120 रुपया। तभी मैं सोचा भी 1 घंटा 1.5 घंटा करूँगा क्या। तब मैंने यहाँ पे देखा कि विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे बाजू में ही है, करीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पर, लाइक कि 10 मिनट वॉकिंग पे है, तो तब तक वो कवर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आके देख लेंगे कि ये कैसा है। अभी इसलिए मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। वैसे मैंने एंट्री तो ले ली है, यहाँ का भी टिकट ऐसा है कुछ 30 रुपया टिकट है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। और मैंने पूछा कि कितना टाइम लगता है घूमने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से है। देखने में तो बहुत सुंदर है, अंदर जाके देखते कि और कैसा है ये। वैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल ये कितना आलीशान है, उस जमाने के लोग के मजे थे शायद से, क्या देख के कितना सुंदर लग रहा है। वैसे यहाँ का जो पूरा एरिया है वो एकदम हरियाली से भरा हुआ, नेचर से एकदम घिरा हुआ, और आज का आसमान भी बहुत क्लियर है, तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये पत्थरों से निकल के अभी रेड कारपेट पे मैं आ गया हूँ। वैसे यहाँ पे जो जाने वाला रास्ता है वो रेड कलर का है, कारपेट नहीं बिछा हुआ है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि कारपेट है। अंदर जाते हैं अभी। वैसे यहाँ पे बहुत सारे मेमोरियल इन्फॉर्मेशन रखी गई है, जैसे कि ये सारी के सारी ये सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटोज़ के साथ, वो वहाँ पे जब उन्होंने भाषण दे रहे थे, फिर उसी के साथ में ये कुछ पत्र हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर के इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे लिखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। तो ये पूरा डिटेल में बताया गया है कि आज़ाद हिंद के बारे में यहाँ पे, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो उसी की बेस पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा गया है। ये जो बनाया गया है ये डिटेल में बताया गया है कि ये कब कब कैसे कैसे कौन कौन से सन पे, और उसके जो कार्यकर्ता थे वो सब के बारे में डिटेल में बताया गया कि 1918 में ये हुआ था, ऐसा बन चुका था, और सेम ऐसा ही और आगे भी, और कब तक ये बन के पूरा रेडी हुआ था, जैसे कि 1920 में ऐसा था, इतना बन चुका था।
फर्स्ट फ्लोर पे और भी डिटेल में बताया गया है, जैसे कि वॉर के बहुत सारे बंदूकें और सोल्जर्स के बंदूकें, पिस्तौल्स, उसके बारे में सारी डिटेल्स में है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा रहा विक्टोरिया मेमोरियल, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था और सच में यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे आना चाहिए एक बार। अगर आप कोलकाता कभी भी विजिट करेंगे तो यहाँ पे तो ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे अपने भारत की आज़ादी के बारे में न्यूज़पेपर, उस ज़माने के कार्यकर्ता, उस ज़माने के वॉरियर्स, सबके बारे में डिटेल्स में अच्छे से बताया गया है। उसी के साथ में ये भी बताया गया है कि उनके पिस्तौल्स कैसे थे, उनके राइफल्स कैसे थे, वो कैसे कैसे करके कितनी ताकत से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह आज़ाद, उनको कब फांसी हुई, और ये सब पूरे डिटेल में न्यूज़पेपर के साथ में यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जिसकी एंट्री फीस भी 30 रुपीज़ है। और यहाँ पर घूमने के लिए आप विज़िट कर सकते हो, और उसके साथ ये सुंदर सा विक्टोरिया आप देख सकते हो। इसी के साथ अभी मैं जाता हूँ भाग के फटाफट, अभी कुछ 10 मिनट बच गया है 4 बजने में। मेरे को लगा था कि मैं जल्दी से कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे देखने जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थी तो ज़्यादा टाइम लग गया, बट अभी मैं जाता हूँ भाग के। वैसे बिरला प्लेनेटेरियम मैं गया, लेकिन वो बंद हो गया था, बंद इन द सेंस वो चालू हो गया था, तो मैंने टिकट ले नहीं पाया। वहाँ से ऐसे शाम हो गई है, वैसे अभी करीबन 5 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शाम हो गई है बहुत जल्दी। लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ मदर हाउस अब देखने के लिए कि यहाँ पे ये मेरे को एंट्री देते हैं कि नहीं। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है अब, लेकिन मैं जाके इंक्वायरी करता हूँ कि यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है। वैसे जो प्लेस है वो मदर टेरेसा के नाम पर है, जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पे जो मदर टेरेसा यहाँ पे रही थी 47 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ था। उसी के साथ उनका बेड, उनका रूम, द थिंग्स उन्होंने जो जो यूज़ किया हुआ था वो सब, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम जैसा है। उनका रूम मैंने देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे यहाँ पे उनकी टूम भी है, यहाँ पे नीचे साइड ग्राउंड फ्लोर पे उनका टूम भी रखा गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे वो जहाँ पे रहती थी 47 ईयर्स उन्होंने मतलब कि सर्व किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा गुड एक्सपीरियंस था। अच्छा हुआ कि मैं आया और यहाँ पे मुझे थोड़ा जल्दी पहुँच गया था। अभी करीबन कितना 5:50 हो रहे हैं, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ कहीं और जाता हूँ। वैसे मैं अभी वहाँ से निकल के आके अभी मैं ये सिसिर मार्केट में आया हूँ, जो कि सेल्दा स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से मेरा हॉस्टल भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत बड़ा मार्केट लगता है, वैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ सेम। मैं भी अपना ऑफिस का काम खत्म करके, अभी कुछ 10 करीबन हो रहे हैं, तभी मैं भी मार्केट में आ गया हूँ देखने कि यहाँ पे क्या चल रहा है।
वैसे यहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है और मैं भी ऐसे घूम रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ सेम चीज। हर जगह ऐसे ही धूमधाम से प्रोग्राम हो रहा है भाई। मैं भी अभी यहीं पे हूँ, करीबन अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन बट स्टिल एकदम धूमधाम से चल रहा है ऐसा कुछ। देख के तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने का यहाँ पे मकसद पूरा हो गया मेरा। तो फिर इसी के साथ आज का दिन ऐसे ही खत्म होता है। आप भी मजे करिए, अपना ध्यान रखिए, मुलाकात होगी अगले वीडियोस में।